मैं आपसे चाहता हूं 1993 में भारत की उस वक्त की सरकार ने मुसलमानों से जो 1984 में सिखों के मर्डर कराए, जो कत्लेआम दिल्ली में हुआ, उनको उनका पुरस्कार देना था। 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो इस देश में राजनीतिक लाभ के लिए काम किया गया, इस देश के बहुसंख्यक समाज को एक ऐसे रंग से पेंट कर दिया गया कि उस सनातन के जो बड़ा बेटा था उसके खिलाफ खड़ा करा गया, और इसके लिए आपने ये शाहीन बाग वाले लोगों को, ये देवबंद और बरेलवी वाले लोगों को, ये पांच वक्त की नमाज पढ़ने के दावा करने वाले लोगों को आपने दिल्ली में खुली छूट दी कि मारो। इसलिए 3,500 सिख दिल्ली में मारा गया, देश भर में हजारों मारे गए, लेकिन मारने वाला कोई आज तक पकड़ में नहीं आया। चंद लीडरों के ऊपर नाम आया और वो लीडर भी लगातार 1984 के बाद मंत्री भी बनते रहे, संतरी भी बनते रहे, संसद में भी गए, कुछ फर्क नहीं चला। एक सरकार ने कहा करते हैं, ये है इसमें, ये नहीं है, चंद चार पांच लोग, लेकिन जिन लोगों को जमीन पे मारा गया उनमें से एक भी पकड़ा नहीं गया। पुलिस व्यवस्था आपकी थी, सरकार आपकी थी, लेकिन पकड़ना नहीं था, क्योंकि आपको अपना एजेंडा लागू कराना था। और उन्हीं लोगों को आपने 1993 के अंदर एक पुरस्कार के रूप में गैर संवैधानिक काम किया। इसलिए मैं आज के युवाओं से चाहता हूं कि इस दौर में भी आपके पास लड़ने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए ऐसे हैं जिसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न गैर संवैधानिक है, न बाबा साहब के संविधान की आप कोई अवहेलना करने जा रहे हैं, क्योंकि उस संविधान की अवहेलना तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को 26 साल बाद ही उसकी अवहेलना कर दी गई थी। 76 में बिना रात में किसी से सलाह मशवरा करे हुए, रात के अंधेरे में, जब पूरा देश इमरजेंसी के अंदर बंद था, कोई भी मौजूद नहीं था, आपने उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया, जिसके बारे में खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इस शब्द को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगले 100 सालों में जब नई जनरेशन आएगी तब इसकी कोई जरूरत होगी और उनको लगेगा तब इसको लेंगे, इसको आज क्यों। लेकिन आपने राजनीतिक कारण से जोड़ दिया। लेकिन मैं कहता हूं जोड़ दिया तो चलिए, उसके बाद भी हम आगे की बात कर लेते हैं। अगर 76 में भारत का संविधान सेकुलर हो गया था, भारत सेकुलर हो गया था, तो फिर सेकुलर भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? ये बहुसंख्यक हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्पसंख्यक हैं, ये क्यों बांटा गया? इसका तो जिक्र नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मजहब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इस रिजर्वेशन में क्या है? संसद में कुछ सीटें रिजर्व हैं, विधानसभा में रिजर्व हैं, और देश की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कोटा है। चलिए ये भी मान लिया। तो अंबेडकर ईमानदार थे, कम से कम उन्होंने कहा भाई ये 10 साल के लिए लागू होगा, लेकिन राजनीतिक दलों ने उसे आगे चलाया। मेरा वो भी विवाद का विषय नहीं है, मेरा विवाद का विषय यह है कि जब उन्होंने कहा कि धर्म मजहब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो कई सरकारों ने मजहब के नाम पे मुसलमानों को अपीज करके उनको रिजर्वेशन देने की कई बार कोशिश की, और जब आप उसमें विफल रहे तो आपने 1993 में क्या किया कि उनका रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो रिजर्वेशन के माध्यम से आपको पैसा ही तो देना है, करोड़ों रुपये ही तो लुटाना है, उनके लिए सीटें ही तो बुक कर देनी है, उनके लिए स्कॉलरशिप ही तो बुक कर देनी है। तो आपने 1993 में कांग्रेस सरकार की देखरेख में एक नोटिफिकेशन निकला और रातों रात जो जिहादी कांग्रेस के अंदर शामिल थे, जो आज भी हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि देखिए साहब 1992 6 दिसंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के ऊपर जहीरुद्दीन बाबर के कारण जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी उसको तोड़ दिया गया है, मुसलमान बहुत आहत है, तो मुसलमान को क्या करना है? अपीज करना है। तो पहले तो दूसरे तरीके से किया, अब गैर संवैधानिक तरीके से आपने क्या किया कि 1993 में आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भारत के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं,
20 से 25 करोड़ और 30 करोड़ के बीच की आबादी इस देश में अल्पसंख्यक घोषित हो गई। और साथ में 1984 में जिन सिखों को आपने हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश की गई, सनातनियों के खिलाफ खड़ा किया गया, यानी सनातन परिवार के सबसे बड़े बेटे सनातनी को उस सनातन परिवार से दूर किया गया एक रणनीति के तहत, ताकि आपकी राजनीतिक सत्ता चलती रहे और सनातन परिवार कमजोर हो। तो आपने सिखों को भी एक अलग धर्म घोषित कर दिया, एक पारसी और ईसाई और बौद्ध, ये पांच लोगों को यकायक अपने 93 के नोटिफिकेशन में कहा कि ये सारे लोग अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हम एक अल्पसंख्यक आयोग बना रहे हैं कि इन अल्पसंख्यकों को मदद करनी है। तो पहली तो इसकी घोषणा ही भारत के संविधान की, जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर भावना थी, उसी के विपरीत है। यानी आप एक तरफ तो 76 में सेकुलर देश बनाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करते हैं बगैर किसी की परवाह किए, बगैर सहमति के, और उसके बाद फिर 93 में आप मुस्लिम जो माइनॉरिटी कमीशन बना देते हैं, और उस माइनॉरिटी कमीशन में 50,000 पारसी है, 2.5% सिख है, बौद्ध ना के बराबर है, लेकिन 30 से के आसपास के करोड़ की एक आबादी को कहते हैं ये माइनॉरिटी है। करोड़ों का बजट है, अरबों का बजट है, वो चल रहा है। और जब 2020 के भारत में कोई ये सवाल सरकार से पूछता है कि आपने 1993 में किस बुनियाद पे लोगों को माइनॉरिटी बताया, उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या बेसिस है, तो सरकार आरटीआई के जवाब कहती है कि 93 में जब यह किया गया तो ना इसकी कोई परिभाषा हमारे पास है, ना इसका कोई बेसिस है कि किस बेसिस पे हमने कुछ को माइनॉरिटी कहा, कुछ को माइनॉरिटी नहीं कहा और किसको माइनॉरिटी मान लिया, कोई नहीं है उनके पास, ये लिखित जवाब है। और आप जानते हैं कि आरटीआई के द्वारा मिला हुआ जवाब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वो एफिडेविट जैसा होगा, उस पर डिबेट नहीं हो सकती कि नहीं ये हमने तब ऐसे ही दे दिया था, असली कागज ये नहीं कह सकती सरकार। ये बात अलग है कि इस सरकार का ये 93 में ये सरकार नहीं थी, आपने ये दिया। तो पहले तो आपने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, फिर दूसरा काम आपने क्या किया कि आप ये नहीं बता पा रहे कि आखिर इसकी परिभाषा, फिर चौथा क्या बड़ा काम किया आपने जो और नहीं बताया गया आपको, तो जो बहुसंख्यक समाज था उसके लिए संविधान बना देश के नाम पे, और पहला डिस्क्रिमिनेशन हो गया साहब रिजर्वेशन। उसने ये सोच के कि ठीक है इस आधुनिकता की दौड़ में, पढ़ाई में, लिखाई में कुछ समाज के हमारे अपने लोग पीछे रह गए हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस देनी चाहिए। लोगों ने कहा 10 साल की बात है, कोई बात नहीं। तो वो 10 साल से चलाया आपने, आज तक चल रहा है, एक तो पहला है। फिर जब भारत आजाद भी हो गया और फिर आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, और इस माइनॉरिटी कमीशन में आपने क्या करा, या नहीं मुसलमान जो इस देश में संपन्न है ठीक ठाक तरीके से, लेकिन ये एक नैरेटिव है ना कि मुसलमान कमजोर है, पिछड़ा है, शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी है इसलिए वो थोड़ा भटक जाता है। तो शिक्षा की कमी ब्राह्मण में भी है, ठाकुर में भी है, कुर्मी में भी है, काइस्त में भी है, बनिए में भी है, दलित में भी है, यादव में भी है, शिक्षा की कमी से वो भटक करके आतंकवादी क्यों नहीं बनता है भाई, वो देश को क्यों नहीं तोड़ता है, वो अपने आप बिना कानून बनाए ही परिवार नियोजन के फॉर्मूले को क्यों लागू कर लेता है। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया, और उसके माध्यम से पारसियों ने आज तक उसमें से कुछ बड़ा हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो संपन्न है। आज तक पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक सिख ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो,
एक सिख ऐसा नहीं मिला जिसने दुनिया की हर जगह संकट आया हो, इंग्लैंड में आया हो, भारत में आया हो, जहां दूसरों की मानव सेवा करके अपने पैसे से, अपने ईमानदार के पैसे से कमा के लंगर न लगाया हो। बहुत आपके पास गए नहीं, जैन आपके पास गए नहीं, तो यह तो आपने शुद्ध रूप से मुसलमानों को भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे खुश करने के नाम पे, अपीस करने के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए की आपने उनको स्कॉलरशिप दी, उनके इंस्टीट्यूशन बनाए, आपने अलग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से एक चीज खड़ी कर दी, अब आपकी शिक्षा भी अलग है, आपने रिजर्वेशन के सीधे तौर पे उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया।